हाय फ्रेंड्स, सीआरटी टीवी में एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी आपने शायद पहली बार देखा होगा। तो मैं यहाँ पे इसका जो वर्टिकल आईसी है और विड्थ कंट्रोल मॉस्फेट, इन दोनों को कूल रखने के लिए मैंने यहाँ पे एक बीएलडीसी फैन का उपयोग किया है, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इन दोनों के टेम्परेचर को 60% तक नीचे घटा देता है, इससे हमारा टीवी का लाइफ साइकिल थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये पार्ट दोनों बार बार ख़राब हो रहे थे गर्मी के वजह से। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, मैं अभी बात कर रहा हूँ जून महीने के स्टार्टिंग के, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, यानी हम डायरेक्टली हवा दे के कंपोनेंट्स को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम दे रहे हैं पावर इसमें, ठीक है। देखिए, हमने पावर दे दिया है, देखिए हमारा फैन अभी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये अच्छा खासा हवा दे रहा है, यहाँ तक थ्रो कर रहा है हवा को, इससे हमारा जो कंपोनेंट्स है वो सुरक्षित रहेंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ हमने कहाँ से कहाँ वायरिंग किया है। तो इसको दो चीज़ों की ज़रूरत होगी, एक बीएलडीसी फैन है, ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे इसका जो सप्लाई लिया है वो लिया है हमारा ऑडियो सेक्शन से, ठीक है। ऑडियो सेक्शन से हमारा ज़्यादातर 18 से लेकर 20 वोल्ट तक निकलता है, तो हम इसको डायरेक्टली अगर देंगे तो ये जलने की खतरा रहता है, क्योंकि एक 12 वोल्ट का फैन है, देखिए 12 वोल्ट डीसी फैन है, तो इसके लिए हमने एक 12 वोल्ट का लीनियर रेगुलेटर लगाया है, ठीक है। इसके आउटपुट में एक कैपेसिटर लगाएंगे और इनपुट में 21, आउटपुट में 12 इसका निकलेगा, और इससे हमारा फैन का लाइफ भी बना रहेगा, ठीक है। तो ये था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।